हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं क्लब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो सैमसंग का गलेक्सी A51S है उसको गीक बेंच के ऊपर देखा गया है और इसके साथ ही इसके स्पेक्स भी हमारे सामने निकल कर आ गए हैं। और ये दोस्तों ऑब्वियसली जो गलेक्सी A51 है उसका सक्सेसर होने वाला है और इसमें आपको एक 5G की सपोर्ट मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट, जो कि एक 5G चिपसेट है, उसके साथ कंफर्म हो जाता है और कि ये जो फ़ोन है ये 5G फ़ोन होने वाला है और इसका प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में पूरी डिटेल में जान लेते हैं कि इस फ़ोन में हमको क्या मिलने वाला है और ये किस प्राइस में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसकी डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको मिल जाएगी 6.5 इंचिस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 396 PPI। उसके साथ में आपको प्रोटेक्शन के लिए भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसमें आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर। उसके साथ में आपको रैम भी अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगी 6GB की रैम। उसके साथ आपको इसमें 128GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। अब मेन दोस्तों, अगर इसके कैमरास की बात कर ली जाए, आपको इसमें पीछे की तरफ एक क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिल जाएगा और जो मेन इसका प्राइमरी कैमरा है वो आपको इसमें मिलेगा 48 MP का कैमरा। उसके साथ जो दूसरा कैमरा दिया गया है वो आपको में मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड सेल्फी के लिए, जो कि दिया गया है 12 MP का कैमरा। और तीसरा कैमरा आपको इसमें 5 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा और चौथा कैमरा भी आपको इसमें 5 MP का एक मैक्रो लेंस मिलने वाला है। अब दोस्तों, अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में मैं आपको बता दूं, जो कि इसके पंच होल के अंदर होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको आगे की तरफ एक पंच होल डिस्प्ले भी मिल जाएगी और वो आपको कैमरा भी अच्छा खासा मिल जाएगा और वो कैमरा आपको इसमें मिलने वाला है 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। और दोस्तों, ये फोन आपको ड्यूल सिम में तो मिल जाएगा, दोनों नैनो सिम डाल सकते हो और इसके अलावा एक अलग से मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, यानी कि आपको इसमें एक ट्रिपल स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको इसमें 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा और आपको इसमें USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी आपको इसमें ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है ना। ये वाकई में एक बहुत ही कमाल का फोन, मुझे तो स्पेशली इसके स्पेक्स काफी कमाल के लग रहे हैं। आपको इसके स्पेक्स कैसे लग रहे हैं प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो भी आपको इसमें मिल जाएगा Android 10Q। अब लास्ट में दोस्तों, इसकी प्राइसिंग की बात की जाए, जो इसका प्राइस सामने निकल कर आ रहा है उस हिसाब से ये फोन हो सकता है तकरीबन 25,000 रुपये में लॉन्च दोस्तों, जो कि अगले महीने जुलाई एंड में लॉन्च हो सकता है। फिलहाल अभी डेट सामने निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल जो न्यूज है वो यही है कि ये 25 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस फोन के बारे में क्या कहना है प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए फोन के साथ और एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।